या ना होना, ये दो ऐसे तत्व है जो पिछले कई वर्षों से मुखर होकर भारतीय जनतांत्रिक चुनावों में सत्ता परिवर्तन की दिशा तय करते रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होना है और ऐसा लग रहा है कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में सत्ता के परिवर्तन का होना या ना होना विकल्प और विश्वास की पूंजी जैसे मुद्दे ही तय करने जा रहे हैं। बिहार में अगर लोगों से बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शासन से कई जगह लोगों में उब दिखती है और कई जगह नाराजगी भी, किंतु उब और नाराजगी जाहिर करने के बाद लोग ये कहते हुए आसानी से सुने जा सकते हैं कि क्या करें, कोई बेहतर विकल्प भी तो नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि बिहार में मतदाताओं का एक वर्ग परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन विकल्प के ना होने की बेबसी और लाचारी भी व्यक्त करता है। यानी सत्ता परिवर्तन हो तो सकता है अगर विपक्ष नीतीश कुमार जैसे नेता का बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परिवर्तन का भाव मन में और बातचीत में ही अभिव्यक्त हो सकता है। भारतीय जनतांत्रिक राजनीति में विकल्प का मतलब है कि जो अभी है उससे बेहतर चाहिए। ये बेहतर कैसे तय हो सकता है? अभी जो सत्ता में है उससे ज़्यादा आस और विश्वास जो सामने है और सत्ता में आने के लिए दस्तक दे रहा है मतदाताओं में विश्वास पैदा कर दे। यहीं से विश्वास की पूंजी का बनना शुरू होता है। किसी भी नेता के पक्ष में विश्वास एक दिन में पैदा नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए लंबा समय का राजनीतिक काम कथनी और करनी में एक और चाल चलन चरित्र की एक रूपता आदि से धीरे धीरे बनना शुरू होता है। सत्ता में जो है वे अपनी उसी विश्वास की पूंजी के कारण आता है और उसी के धीरे धीरे हो रहे शरण से वे सत्ता से बाहर हो जाता है। जो उसका स्थानापत्र होकर उभरता है वे धीरे धीरे अपने पक्ष में अपने लिए जनता के साथ मन में विश्वास पैदा करता है। ये विश्वास बनने की प्रक्रिया धीरे धीरे इकट्ठा होकर चुनाव में जनता को उसके तरफ गोलबंद करता है। ये विश्वास की पूंजी भारतीय जनतांत्रिक राजनीति में कभी कभी अचानक जादुई ढंग से विकसित हो जाती है, किंतु ये कुछ विशेष संदर्भ में उन नेताओं के साथ होता है जो अपना करिश्मा विकसित कर लेते हैं। बिहार के वर्तमान राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष में दोनों में से ही कोई करिश्माई नेता नहीं है। एक हद तक और काफी दिनों तक राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव को करिश्माई नेता माना जाता रहा है। लालू यादव अभी जेल में होने के कारण चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके कपड़े पर दाग लगा और धीरे धीरे उनके करिश्मा का शरण खत्म होता गया। उनके दोनों पुत्रों तेजस्वी यादव जो अभी राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव भी वे करिश्मा अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी करिश्माई नेता नहीं रहे। उनका असर धीरे धीरे हुआ, लेकिन हुआ तो लंबे समय तक के लिए हुआ। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने लिए विश्वास की पूंजी निर्मित की है। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के आपसी गठजोड़ का फायदा भी दोनों को मिलता रहा है। SPN 9 न्यूज रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।